बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही पार्टी की भी तैयारी चरम पर है। प्रधानमंत्री की 12 रैलियों की तैयारियों में बीजेपी ने तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लिया है। पार्टी ने तमाम सभा स्थल पर अपने नेताओं की तैनाती के साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी बांटी है। 12 रैलियों के लिए अलग अलग 3 दर्जन नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी, स्टेशन प्रभारी और स्थानीय कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में प्रधानमंत्री की रैली होगी। सासाराम में बीजेपी के 12, जेडीयू के 12 और वीआईपी के 1 प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेंगे। दिन में 1 बजे गया में होने वाली रैली से बीजेपी के 9, जेडीयू के 6 और हम के 4 प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने वाले हैं। भागलपुर में होने वाली रैली में 3 बजे बीजेपी के 10, जेडीयू के 13 और हम के 1 उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली 28 अक्टूबर को है। इस रैली को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहली रैली दरभंगा में होगी और इस रैली में बीजेपी के 8, जेडीयू के 6, वीआईपी के 4 प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर की रैली में जेडीयू के 13, बीजेपी के 13 और वीआईपी के 2 प्रत्याशी जुड़ने वाले हैं। 1 नवंबर को छपरा में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली में 24 विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे। वहीं पूर्वी चंपारण की रैली से बीजेपी के 9, जेडीयू के 2 और वीआईपी के 2 प्रत्याशी जुड़ेंगे। इसी दिन समस्तीपुर की रैली से बीजेपी के 6, जेडीयू के 15 प्रत्याशी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से एनडीए को कितना फायदा पहुँचता है, इस पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर।